इसमें कल अपन ने पढ़ा था, एक तो कारण क्या था, समाज सुधार आंदोलन के कारण क्या थे, और फिर पढ़ा था अपन ने ब्रह्मा समाज। ब्रह्मा समाज में अपन ने पढ़ा था राजा राम मोहन राय का योगदान और देवेंद्र नाथ टैगोर का योगदान। उसके बाद में आ गए थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, अब इसमें अपन ये देखा था कि इनको 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने इनको आचार्य नियुक्त कर दिया था ब्रह्मा समाज का। ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। किसने की थी? राजा राम मोहन राय। अब देखो, केशव चंद्र, राजा राम मोहन राय के बाद में किसको दायित्व दिया गया था? देवेंद्र नाथ टैगोर को। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने वेदों पे बल दिया, और दूसरा एक तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधनी स्कूल और तत्वबोधनी पत्र शुरू किए थे। अब आते हैं केशव चंद्र सेन पे। अभी तक जितना प्रचार राजा राम मोहन राय ने और देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया, उतना प्रचार अकेले केशव चंद्र सेन ने कर दिया। यह व्यक्ति उदारवादी था, एक तो प्रसार का कारण था, एक तो उदारवादी था और वाक्पटु था। उदारवादी एवं वाक्पटु था, और सबसे ज्यादा यदि ब्रह्मा समाज का प्रचार किया किसी ने तो वो केशव चंद्र सेन थे। तो इसमें लिखो, ब्रह्मा समाज का सबसे ज्यादा प्रचार केशव चंद्र सेन ने किया। ब्रह्मा समाज का सबसे अधिक प्रचार केशव चंद्र सेन ने किया था। ब्रह्मा समाज का सबसे अधिक प्रचार केशव चंद्र सेन ने किया था। नेक्स्ट लिखो, इनको 1862 में ब्रह्मा समाज का आचार्य नियुक्त किया गया। 1862 में इनको ब्रह्मा समाज का आचार्य नियुक्त किया, ब्रह्मा समाज का आचार्य नियुक्त किया, और आचार्य भी नियुक्त किसने किया? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। 1862 में ब्रह्मा समाज का आचार्य नियुक्त किया। अब देखो, केशव चंद्र सेन उदारवादी व्यक्ति थे। अब इन्होंने क्या किया? अभी तक ब्रह्मा समाज को हिंदू धर्म का हिस्सा मान रहे थे सारे, भले ही राजा राम मोहन राय हो, द्वारका नाथ टैगोर हो, देवेंद्र नाथ टैगोर हो, सभी के सभी लोग क्या मानते थे कि ब्रह्मा समाज हिंदू धर्म का हिस्सा है, हिंदू धर्म से अलग नहीं है। लेकिन केशव चंद्र सेन धीरे धीरे ब्रह्मा समाज को एक अलग धर्म मानने लग गए, तो इसके खिलाफ प्रतिक्रिया हुई, और प्रतिक्रिया का परिणाम क्या होता है? ब्रह्मा समाज का विभाजन हो गया। ब्रह्मा समाज दो भागों में बट जाता है। एक ब्रह्मा समाज, तो जो केशव चंद्र सेन का ब्रह्मा समाज था उसका नाम रखा गया भारतीय ब्रह्मा समाज, भारतीय ब्रह्मा समाज। तो अभी लिखो मत, भारतीय ब्रह्मा समाज। तो ब्रह्मा समाज दो भागों में बटा, पहला भाग था भारतीय ब्रह्मा समाज और दूसरा भाग बना आदि ब्रह्मा समाज। आदि का मतलब प्रारंभ, प्रारंभ वाला ब्रह्मा समाज, और एक ये बना भारतीय ब्रह्मा समाज। ये भारतीय ब्रह्मा समाज था, इसका गुट तो रहा केशव चंद्र सेन के पास, केशव चंद्र सेन के पास, और आदि ब्रह्मा समाज का नेतृत्व करते रहे देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसमें लिखो, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मा समाज को हिंदू धर्म से, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मा समाज को हिंदू धर्म से अलग धर्म बनाने का प्रयास किया। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मा समाज को हिंदू धर्म से एक अलग धर्म बनाने का प्रयास किया, जिस कारण ब्रह्मा समाज का
जिस कारण ब्रह्मा समाज का, भारतीय ब्रह्मा समाज तथा आदि ब्रह्मा समाज में विभाजन हो गया। भारतीय ब्रह्मा समाज और आदि ब्रह्मा समाज में विभाजन हो गया। इसी में लिखो, केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मा समाज का, केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मा समाज का तथा देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किया। तो ब्रह्मा समाज का विभाजन हो जाता है लगभग 1865 के आसपास। पहला विभाजन दो गुट में हुआ, पहला गुट कौन सा था? भारतीय ब्रह्मा समाज। दूसरा गुट कौन सा था? आदि ब्रह्मा समाज। आदि ब्रह्मा समाज का नेतृत्व कौन कर रहे थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। और भारतीय ब्रह्मा समाज का नेतृत्व कर रहे थे केशव चंद्र सेन। अब देखो इनमें अंतर क्या था कि ये हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं मानता था, और ब्रह्मा समाज को हिंदू धर्म से एक अलग धर्म मानते थे, जबकि ये हिंदू धर्म का हिस्सा मानता था। तो इसमें लिख लो, आदि ब्रह्मा समाज स्वयं को हिंदू धर्म का हिस्सा मानता था। आदि ब्रह्मा समाज स्वयं को हिंदू धर्म का हिस्सा मानता था। आदि ब्रह्मा समाज स्वयं को हिंदू धर्म का हिस्सा मानता था। अब देखो इसके बाद में देखो, एक 1872 का अधिनियम आया, उसका नाम है अंतरजातीय एवं विधवा अधिनियम। कब का ये? 1872 का अंतरजातीय एवं विधवा विवाह अधिनियम। अब देखो ये लाया क्यों गया था, लाने का कारण था बाल विवाह और बहुविवाह को रोकना। कारण क्या था? बाल विवाह और बहुविवाह को रोकना। इसमें लिखो, इसको पारित कराने का श्रेय केशव चंद्र सेन को जाता है। तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से अंतरजातीय एवं विधवा अधिनियम 1872 पारित हुआ। अब देखो इसके अन्य नाम भी हैं, उन नामों से भी पूछा जाता है इसको। मूल नाम था इसका अंतरजातीय एवं विधवा अधिनियम, और अन्य नाम कौन कौन से थे उन्हीं से पूछा जाता है। एक तो है नेटिव मैरिज एक्ट, दूसरा है सिविल मैरिज एक्ट, और तीसरा है ब्रह्मा मैरिज एक्ट। तो तीन अन्य नाम हैं इसके अंतरजातीय एवं विधवा अधिनियम 1872। इसको पारित कराने का श्रेय किसको है? केशव चंद्र सेन को। अब देखो इसको कहा जाता है ब्रह्मा मैरिज एक्ट। अब ब्रह्मा का मतलब देखो, इस एक्ट को पारित कराने में सबसे ज़्यादा यदि किसी ने दबाव लगाया तो वो था ब्रह्मा समाज, क्योंकि ब्रह्मा समाज ने सबसे ज़्यादा जोर लगाया इसको पारित कराने में, और इसको अपनाया भी ब्रह्मा समाज ने, इसलिए इस एक्ट को क्या कहा गया? ब्रह्मा मैरिज एक्ट। अब देखो इसमें प्रावधान क्या किए गए, इसमें विवाह, चूँकि बाल विवाह के लिए लाया गया था
तो इसमें क्या किया गया, उस समय वधू की उम्र तय की गई न्यूनतम 14 वर्ष और वर की फिक्स की गई न्यूनतम 18 वर्ष, कि 14 वर्ष की कम से कम लड़की होनी चाहिए और लड़का कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। तो लिखो, इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह की उम्र, इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह की उम्र न्यूनतम 14 वर्ष तथा लड़के की न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई, तथा लड़के की न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई। तो ये था सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट या ब्रह्मा मैरिज एक्ट, और मूल नाम क्या था इसका, अंतरजातीय एवं विधवा अधिनियम 1872। किस लिए लाया गया था, बाल विवाह और बहुविवाह को रोकने के लिए। इसको पारित कराने में सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है, केशव चंद्र सेन को। देखो अन्य नाम क्या है, नेटिव मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट और ब्रह्मा मैरिज एक्ट। प्रावधान किए गए लड़की की 14 होनी चाहिए और लड़के की न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, ये बेहतर का है। अब देखो केशव चंद्र सेन ने ये फिक्स तो करा दिया, सभी ब्रह्मा समाज के लिए अनिवार्य कर दिया कि सभी को अपनाना पड़ेगा 14 साल और 18 वर्ष। लेकिन उसी समय उनकी स्वयं की बेटी की शादी करनी थी, तो स्वयं की बेटी की शादी की कूच बिहार के राजा के साथ और उनकी बेटी की शादी कर दी, लगभग 11 या 12 वर्ष की उम्र में ही शादी कर दी। इसलिए इनके जो समर्थक थे वो फिर एक नया और गुट बना लेते हैं और उसको कहा गया साधारण ब्रह्मा समाज। तो एक और विभाजन हो जाता है ब्रह्मा समाज में, क्यों हुआ, केशव चंद्र सेन के द्वारा अपनी अल्पवयस्क पुत्री की का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ करना। तो इसमें आगे लिखो, 1878 में केशव चंद्र सेन ने 1878 में केशव चंद्र सेन ने अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ करने के कारण उनके समर्थकों ने साधारण ब्रह्मा समाज का गुट बना लिया। साधारण ब्रह्मा समाज का निर्माण कर लिया। अब देखो साधारण ब्रह्मा समाज के संगठन बनाने वाले कौन कौन थे, साधारण ब्रह्मा समाज इसमें तीन व्यक्ति मुख्य रूप से थे। एक व्यक्ति था आनंद मोहन बोस, पंडित शिवनाथ शास्त्री, और तीसरा था द्वारिकानाथ गांगुली। तो साधारण ब्रह्मा समाज बना केशव चंद्र सेन से अलग होकर 1878 में। मुख्य रूप से उसको बनाने वाले कौन कौन थे, आनंद मोहन बोस, पंडित शिवनाथ शास्त्री और द्वारिकानाथ गांगुली, पंडित शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। तो ये साधारण ब्रह्मा समाज का निर्माण करने वाले थे। तो ब्रह्मा समाज का विभाजन एक तरीके से तीन गुटों में हो गया, भारतीय ब्रह्मा समाज, आदि ब्रह्मा समाज और साधारण ब्रह्मा समाज। तो तीन गुट बन गए इनके, भारतीय ब्रह्मा समाज, दूसरा गुट बना आदि ब्रह्मा समाज,
और तीसरा बन गया साधारण ब्रह्मा समाज। इसमें कौन थे? केशव चंद्र सेन, इसमें देवेंद्रनाथ और इसमें जो ये तीनों व्यक्ति थे वो इसमें हो जाएंगे, पंडित शिवनाथ शास्त्री। साधारण समाज में वो ही व्यक्ति सदस्य बन सकता था जो मूर्ति पूजा का विरोधी हो और जाति प्रथा का विरोधी हो। तो लिखो, साधारण ब्रह्मा समाज का वही व्यक्ति सदस्य बन सकता था, साधारण ब्रह्मा समाज का वही व्यक्ति सदस्य बन सकता था जो मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोधी हो, जो मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोधी हो। तो ये तीन गुट बन गए। अब देखो, केशव चंद्र सेन के अखबार कौन से थे? केशव चंद्र सेन के अखबार एक तो था इंडियन मिरर, इंडियन मिरर, और दूसरा था वाम बोधिनी, वाम बोधिनी। तो ये दो अखबार थे केशव चंद्र सेन के, इंडियन मिरर और वाम बोधिनी। तो एक बार वापस देखो, अपन पढ़ रहे हैं भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, उसमें अपन ने कल पढ़ा था कारण क्या हैं, और ब्रह्मा समाज में अपन ने पढ़ लिया था राजा राम मोहन राय के क्या कार्य थे, क्या विचारधाराएं थी और क्या योगदान था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था देवेंद्रनाथ टैगोर का, आज अपन पढ़ रहे हैं केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन उदारवादी था, वाक्पटु था, सबसे ज़्यादा यदि किसी ने प्रचार किया तो वो थे केशव चंद्र सेन। 1862 में इनको ब्रह्मा समाज का आचार्य नियुक्त किया देवेंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय फिर कालांतर में ब्रह्मा समाज का विभाजन दो भागों में हो गया, भारतीय ब्रह्मा समाज और आदि ब्रह्मा समाज। आदि ब्रह्मा समाज का नेतृत्व करता है देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन करते हैं भारतीय ब्रह्मा समाज को। ये ब्रह्मा समाज को हिंदू धर्म से पृथक धर्म मानता था, जबकि ये हिंदू धर्म का ही अभिन्न हिस्सा समझता था। अब देखो, 1872 में एक अधिनियम आया, अंतरजातीय एवं विधवा अधिनियम। इसके अन्य नाम थे नेटिव मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट और ब्रह्मा मैरिज एक्ट। चूंकि ब्रह्मा समाज के लोगों ने स्वीकार किया और सबसे ज़्यादा प्रेशर भी ब्रह्मा समाज के लोगों ने ही लगाया था, इसलिए इसको क्या कहा गया? ब्रह्मा मैरिज एक्ट या सिविल मैरिज एक्ट और नेटिव मैरिज एक्ट। लाया क्यों गया था? बाल विवाह तथा बहुविवाह को रोकने के लिए। इसको पारित करने का श्रेय किसको जाता है? केशव चंद्र सेन को। प्रावधान क्या किया गया कि विवाह के लिए लड़की की आयु होनी चाहिए कम से कम 14 वर्ष और लड़के की होनी चाहिए 18 वर्ष। लेकिन ब्रह्मा समाज में एक बार फिर विभाजन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि स्वयं केशव चंद्र सेन ने अपनी जो पुत्री थी उसकी शादी अल्पवयस्क उम्र में कर दी। इस कारण एक और नया गुट बन गया, उस गुट का नाम था साधारण ब्रह्मा समाज। तो साधारण ब्रह्मा समाज का निर्माण किसने किया? आनंद मोहन बोस, पंडित शिवनाथ शास्त्री और द्वारकानाथ गांगुली। तो इस प्रकार ब्रह्मा समाज के तीन गुट बन गए। भारतीय ब्रह्मा समाज, ये किसका था? केशव चंद्र सेन का। आदि ब्रह्मा समाज, ये देवेंद्रनाथ टैगोर का था। और साधारण ब्रह्मा समाज, ये था इन तीन का। इनके अखबार कौन कौन से थे? इंडियन मिरर और वाम बोधिनी। अब लिखो, केशव चंद्र सेन के द्वारा बनाए गए संगठन, केशव चंद्र सेन द्वारा बनाए गए संगठन। पहला संगठन था इनका मैत्री सेन, या इसका नाम था संगत सभा। ये बनाया गया था ब्रह्मा समाज के सिद्धांतों के प्रसार के लिए, ब्रह्मा समाज के सिद्धांतों के प्रसार के लिए। दूसरा बनाया गया इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन,
इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इसका निर्माण किया 1870 में। ये इंग्लैंड की यात्रा पे गए थे, इंग्लैंड से आने के बाद इन्होंने एक संगठन बनाया इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, और इसका कार्य क्षेत्र था स्त्रियों की स्थिति सुधारने हेतु। स्त्रियों की स्थिति सुधारने हेतु तो दो संगठन हो गए इनके, मैत्री सेन या संगत सभा, और दूसरा संगठन था इनका इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तीसरा था इनका टेबरिनिकल, थोड़ा सा नाम अटपटा सा है, टेबरिनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन। तो ये तीन संगठन थे केशव चंद्र सेन के द्वारा बनाए गए, मैत्री सेन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन और टेबरिनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन। तो ये तीन संगठन किसके थे? केशव चंद्र सेन के। अब देखो, दक्षिण भारत में यदि ब्रह्मा समाज को किसी ने फैलाया तो वो थे केशव चंद्र सेन। दक्षिण के अंदर सबसे पहले इन्होंने फैलाया महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में ब्रह्मा समाज किस नाम से फैलता है? प्रार्थना समाज। तो महाराष्ट्र में तो प्रार्थना समाज के नाम से फैलाते हैं, और एक मद्रास के अंदर इन्होंने फैलाया वेद समाज के नाम से। तो दक्षिण में फैलाने का श्रेय जाता है ब्रह्मा समाज को, केशव चंद्र सेन को। तो लिखो, दक्षिण भारत में ब्रह्मा समाज को फैलाने का श्रेय, दक्षिण भारत में ब्रह्मा समाज को फैलाने का श्रेय, दक्षिण भारत में ब्रह्मा समाज को फैलाने का श्रेय केशव चंद्र सेन को जाता है। महाराष्ट्र में ब्रह्मा समाज प्रार्थना समाज के नाम से, महाराष्ट्र में ब्रह्मा समाज प्रार्थना समाज के नाम से तथा मद्रास में वेद समाज के नाम से प्रचलित हुआ। मद्रास में वेद समाज के नाम से प्रचलित हुआ। तो यहां पर ब्रह्मा समाज पूरा हो गया है, अब अपन नेक्स्ट लेंगे वेद समाज। तो वेद समाज कहाँ पे था? तो कार्य क्षेत्र इसका था मद्रास, कार्य क्षेत्र था मद्रास। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से केशव चंद्र सेन के प्रयासों से मद्रास में इसकी स्थापना हुई। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से मद्रास में स्थापना हुई। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से मद्रास में इसकी शाखाएं खुलती हैं। 1864 के अंदर पहली बार खुली गई, 1864 के अंदर। तो प्रयास केशव चंद्र सेन के थे, लेकिन संस्थापक किसको माना जाता है? प्रश्न यही पूछते हैं। संस्थापक थे धरलू नायडू। संस्थापक थे धरलू नायडू। तो वेद समाज इसको कहा जाता है दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज। तो वेद समाज के बारे में तीन चार चीजें अपने को याद करनी है। वेद समाज कहाँ पे था? मद्रास के अंदर। किसके प्रयासों से वेद समाज की स्थापना हुई थी? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1864 के अंतर्गत। लेकिन वास्तविक संस्थापक इसका किसको माना जाता है? धरलू नायडू को। और इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज।
तो इसका प्रसार होता है मद्रास के आसपास। इसके बाद में अपन लेते हैं वेद समाज, उसके बाद में अपन लेते हैं प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज का कार्य क्षेत्र रहेगा महाराष्ट्र, कार्य क्षेत्र इसका रहा महाराष्ट्र। और भारत में जितने भी धार्मिक सुधार या सामाजिक सुधार आंदोलन होते हैं उनमें सबसे ज्यादा यदि सफल होता है तो वो प्रार्थना समाज था। तो कार्य क्षेत्र थे महाराष्ट्र। इसकी भी स्थापना केशव चंद्रसेन के प्रयासों से हुई। लिखो, इसकी स्थापना केशव चंद्रसेन के प्रयासों से हुई। केशव चंद्रसेन के प्रयासों से प्रार्थना समाज मद्रास में फैला और दूसरा महाराष्ट्र में फैलता है। मद्रास में भी केशव चंद्रसेन के प्रयास थे और महाराष्ट्र में भी केशव चंद्रसेन के प्रयास थे। अब प्रश्न पूछा जाता है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक, इसका मूल संस्थापक था आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग मूल संस्थापक ये थे या मुख्य संस्थापक, इन्हीं को माना जाता है। इसमें अन्य सहयोगी भी थे, महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे तीसरे थे। आरजी भंडारकर ये इतिहासकार थे और एक थे चंद्रावरकर। लेकिन यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे तो आपको लिखना है आत्माराम पांडुरंग। प्रश्न आ जाए कि कौन कौन सहयोगी थे तो ये बाकी सभी को लिखना है, महादेव गोविंद रानाडे, आरजी भंडारकर और चंद्रावरकर। लेकिन सबसे ऊर्जावान ये थे सबके अंदर, सबसे अधिक प्रयास इन्होंने किए, सबसे अधिक ऊर्जावान थे। महाराष्ट्र के अंदर यदि धर्म के अंदर सुधार का प्रयास किया तो सबसे ज्यादा सुधार का प्रयास किया महादेव गोविंद रानाडे। तो देखो प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई? महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र में भी मुंबई के अंदर। पहली स्थापना होती है महाराष्ट्र में मुंबई में और इसकी स्थापना होती है 1867 में। और 1864 में किसकी हुई थी? वेद समाज की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1867 में मुंबई के अंदर हुई और इसके मुख्य संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। अन्य सहयोगी कौन कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे, आरजी भंडारकर और चंद्रावरकर। प्रश्न आ जाए संस्थापक कौन थे प्रार्थना समाज के तो आपको क्या करना है? आत्माराम पांडुरंग। और ऐसे ही वेद समाज का आ जाए तो किसको लिखना अपने को वेद समाज में? धरलू नायडू। और किसके प्रयासों से हुई? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। इसमें लिखो आप प्रार्थना समाज ब्रह्मा समाज के सिद्धांतों के प्रसार के लिए, प्रार्थना समाज ब्रह्मा समाज के सिद्धांतों के प्रसार के लिए महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। ब्रह्मा समाज के सिद्धांतों के प्रसार के लिए महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। इसमें लिखो भारत में जितने भारत के सभी सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों में भारत के सभी सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों में प्रार्थना समाज का सबसे अधिक प्रभाव रहा। यानी यदि किसी ने धरातल पे काम किया है तो सबसे ज्यादा काम किया है प्रार्थना समाज ने। अब देखो इसके सबसे ऊर्जावान सदस्य कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। तो आगे अपन इसका ही पढ़ेंगे, महादेव गोविंद रानाडे। प्रश्न पूछते हैं इसके अंदर गोविंद रानाडे के बारे में।
तो देखो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। तो पहला लिखो ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अब देखो इनके कुछ उपनाम भी प्रचलित हैं, ये गोपाल कृष्ण गोखले, इनको भी कहा जाता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु। तो देखो अब गांधी जी के तो कई बना दिए, आध्यात्मिक गुरु भी बना दिए, कोई सांस्कृतिक गुरु बना दिया, सभी बना दिए उनके। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु ये हो गए। उपनाम क्या कहा गया इनको? महाराष्ट्र का सुकरात, महाराष्ट्र का सुकरात। थोड़े समय पहले पूछा है, किस एग्जाम में पूछा है, सेंटर की एग्जाम थी, महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे। पश्चिम भारत का राजा राम मोहन राय। महाराष्ट्र कौन से हिस्से में पड़ता है देश के? पश्चिम में। पश्चिम भारत का राजा राम मोहन राय। और तीसरा लिखो पश्चिम भारत में सांस्कृतिक जनजागरण का दूत। पश्चिम भारत में सांस्कृतिक जनजागरण का दूत महादेव गोविंद रानाडे के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। इनका उपनाम है महाराष्ट्र के सुकरात, पश्चिम भारत का राजा राम मोहन राय, पश्चिम भारत में सांस्कृतिक जनजागरण के दूत या जनक। पश्चिम भारत में सांस्कृतिक जनजागरण के दूत या जनक। अब देखो इनके द्वारा कुछ संगठन बनाए गए, वो संगठन भी पूछे जाते हैं। पहला संगठन है इनका विधवा विवाह संघ, विधवा विवाह संघ। दूसरा इनका संगठन है पूना सार्वजनिक सभा। सबसे इम्पोर्टेंट है ये पूना सार्वजनिक सभा कब बनी, किसने बनाई पूना सार्वजनिक सभा। तीसरा है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। और चौथा है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। तो चार संगठन इनके द्वारा बनाए गए। ये 1867 में बनाया गया विधवा विवाह संघ, पूना सार्वजनिक सभा 1871 में बनी, और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में बनी, और नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बनी 1887 के अंतर्गत। तो चार संगठन इनके द्वारा बनाए गए। आप थोड़े स्पीड से चल रहे हैं क्या, सही है? तो संगठन देखो इनके द्वारा चार संगठन बनाए गए, विधवा विवाह संघ, पूना सार्वजनिक सभा, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। सबसे इम्पोर्टेंट है इनमें पूना सार्वजनिक सभा, ये आगे भी अपन पढ़ेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व कौन कौन से राजनीतिक संगठन बने उनमें पढ़ेंगे अपन। विधवा विवाह संघ कब बनाए इन्होंने? 1867 के अंदर पूना सार्वजनिक सभा, और 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, और 87 के अंदर नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। अब देखो जो ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी है इसकी इन्होंने स्थापना नहीं की थी, इनमें सहयोगी थे। इसकी स्थापना करता है गणेश आगरकर। तो लिखो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना गणेश आगरकर ने की थी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना गणेश आगरकर ने की थी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। अब इस संस्था से महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता जुड़े हुए थे। तो इसमें लिखो इस संस्था से तिलक,
गोखले, इस संस्था से तिलक गोखले, रानाडे, तिलक गोखले तथा रानाडे जुड़े हुए थे, जबकि स्थापना किसने की थी? गणेश आगरकर ने। गणेश आगरकर ने। कालांतर में ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज में बदल जाता है और उस कॉलेज का नाम था फर्ग्यूसन कॉलेज। फर्ग्यूसन कॉलेज, वीर सावरकर, ये सारे बाद में जो क्रांतिकारी निकलते हैं वो सारे फर्ग्यूसन कॉलेज से निकलते हैं। तो लिखो कालांतर में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, कालांतर में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुई। फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब रानाडे ने एक आंदोलन चलाया महाराष्ट्र में, शुद्धि आंदोलन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी चलाया और इन्होंने भी चलाया शुद्धि आंदोलन, लेकिन इनका शुद्धि आंदोलन स्वामी विवेकानंद की, स्वामी दयानंद सरस्वती के आंदोलन की तुलना में कम प्रसिद्ध है। अब ये चलाया क्यों? एक तो मद्यपान को कम करने के लिए और विवाह में जो फिजूल खर्ची हो रही थी उनको रोकने के लिए चलाया गया। तो लिखो रानाडे ने महाराष्ट्र में मद्यपान को रोकने के लिए, रानाडे ने महाराष्ट्र में मद्यपान को रोकने के लिए तथा विवाह की में होने वाली फिजूल खर्ची को रोकने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो एक बार फिर देखो, वेद समाज और प्रार्थना समाज मूल रूप से क्या थे? ब्रह्मा समाज के ही रूप थे और इन दोनों की स्थापना दक्षिण भारत के अंतर्गत हुई और दोनों के लिए प्रयास किसने किए? केशव चंद्र सेन ने। अब वेद समाज को यदि अपन देखें तो इसका कार्य क्षेत्र कहाँ पे था? मद्रास के अंतर्गत। स्थापना केशव चंद्र सेन के प्रयासों से होती है। संस्थापक कौन थे वेद समाज के? धरलू नायडू। और दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज कहा जाता है वेद समाज को। इसी प्रकार अपन देखते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज का कार्य क्षेत्र कहाँ पे था? महाराष्ट्र के अंदर, और इसकी स्थापना हुई थी 1867 में मुंबई में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। अब मुख्य संस्थापक इसके कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। अन्य सहयोगी कौन कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे, आरजी भंडारकर और चंद्रावरकर। सबसे अधिक ऊर्जावान या सबसे ज़्यादा यदि परिश्रम किया तो वो व्यक्ति कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। अब अपन इसमें देखते हैं महादेव गोविंद रानाडे, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इनके उपनाम है महाराष्ट्र का सुकरात, पश्चिम भारत का राजा राम मोहन राय और पश्चिम भारत में सांस्कृतिक जनजागरण के जनक या दूत, ये इनके उपनाम हैं। इनके द्वारा बनाए गए कुछ संगठन हैं जिनको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से उनका कौन सा संगठन नहीं है। तो पहला संगठन है विधवा विवाह संघ, दूसरा संगठन है पूना सार्वजनिक सभा, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। हालांकि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना गणेश आगरकर ने की थी, ये इसके सहयोगी थे, तिलक गोखले के साथ ये भी सहयोगी थे। बाद में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से चर्चित होता है। महाराष्ट्र के अंतर्गत जो क्रांतिकारी गतिविधि स्टार्ट होती हैं उसके लिए फर्ग्यूसन कॉलेज ही उत्तरदायी है और भारत के अंतर्गत यदि क्रांतिकारी गतिविधियाँ स्टार्ट होती हैं सबसे ज़्यादा यदि प्रभावशाली थी तो वो थी महाराष्ट्र के अंतर्गत 1897 में भारत में पहली कोई क्रांतिकारी घटना होती है प्लेग के समय। फिर शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया? विवाह में होने वाली फिजूल खर्ची को रोकने के लिए और मद्यपान को रोकने के लिए। तो ये अपन ब्रह्मा समाज जो थे उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में वो खत्म हो गए। इसके बाद अपन लेते हैं यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन, नाम तो सुना हुआ है क्या पहले? यंग इटली का तो नाम सुना है क्या?
यंग इटली एक संगठन था इटली के अंतर्गत, उसकी स्थापना की थी मैजिनी ने। और यंग इटली में यंग क्या था? युवा लोग, युवा लोग। तो जैसे मैजिनी ने क्या किया था, पूरे देश के अंतर्गत युवा लोगों को संगठित किया और एक संगठन बनाया था यंग इटली। इसी प्रकार बंगाल के अंतर्गत भी एक आंदोलन चला जिसमें युवाओं को इकट्ठा किया गया और उस आंदोलन का नाम पड़ा यंग बंगाल आंदोलन। अब देखो यंग बंगाल आंदोलन का कार्य क्षेत्र कहाँ पे था? बंगाल में। नाम से स्पष्ट है कहाँ पे था? बंगाल में। बंगाल। और इस आंदोलन के संस्थापक थे हेनरी विवी, हेनरी विवियन डेरेजियो, डेरेजियो। तो कार्य क्षेत्र इसका रहा बंगाल और संस्थापक थे हेनरी विवियन डेरेजियो। अब देखो ये कौन था, इनकी माँ पिता तो थे पुर्तगाली, इनके पुर्तगाली तो पिता थे और माता थी भारतीय। अब ये अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इसको भागलपुर के अंदर क्लर्क की जॉब मिल गई, लेकिन धीरे 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 जो कलकत्ता के अंदर हिंदू कॉलेज खुला था, हिंदू कॉलेज किसने खोला था? राजा राम मोहन राय ने। उसके अंदर ये प्रोफेसर बन गए। अब प्रोफेसर थे ये, इतिहास और अंग्रेजी दोनों के प्रोफेसर थे। और इन्होंने वहाँ पे जो बंगाल के जो युवा लोग थे उनका संगठन बनाया, ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाकर उन सब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद उत्पन्न किया कि आपको आज़ादी प्राप्त करनी है, आपके देश के अंदर कौन कौन सी कुरीतियाँ हैं, उन सब चीज़ों के लिए इन्होंने प्रेरित किया। लोगों के अंतर्गत स्वतंत्र चिंतन की परंपरा शुरू की, विवेक पैदा किया, तार्किकता पैदा की और कई अधिकारों की इन्होंने मांग की। लेकिन ये कुछ ही समय बाद इनकी मृत्यु हो गई, मात्र 24 वर्ष की उम्र के अंदर इनकी मृत्यु हो गई हैजा के कारण। लेकिन 24 वर्ष की उम्र के अंतर्गत ये बंगाल के अंदर एक क्रांति पैदा कर गया था, क्योंकि जो स्टूडेंट थे उसके हिंदू कॉलेज के, उन सब के अंतर्गत एक लॉजिक पैदा हो चुका था कि देश को आज़ाद कैसे कराना है, देश के अंदर बुराई कौन सी है, उन बुराइयों को दूर कैसे करना है, ऐसे विचार ये पैदा कर गया था। इसलिए इसको बंगाल के अंतर्गत अग्रदूत माना जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी इसी को माना जाता है, हेनरी विवियन डेरेजियो को। और 24 साल में ये काम करके चला गया था, और 24 साल में अब हम पढ़ रहे हैं और ये सब काम करके चला गया था। हाँ तो लिखो इसमें, पहले कुछ लिखो, हेनरी विवियन, हेनरी विवियन हिंदू कॉलेज कलकत्ता में इतिहास के प्रोफेसर थे। हेनरी विवियन कलकत्ता में इतिहास के प्रोफेसर थे। इन्होंने कॉलेज कॉलेज के विद्यार्थियों का इन्होंने कॉलेज के विद्यार्थियों का तथा बंगाल के युवा लोगों का तथा बंगाल के युवा लोगों का संगठन बनाकर उनमें राष्ट्रवाद, बंगाल के युवा लोगों का संगठन बनाकर उनमें राष्ट्रवाद का विचार पनपाया कि जब तक राष्ट्रवाद का विचार नहीं पनपेगा आप आपके देश को आज़ाद नहीं करा सकते। क्या इस चुनाव में भी रहा है क्या राष्ट्रवाद कुछ मुद्दा? क्या जीत का कुछ कारण रहा है राष्ट्रवाद? यदि राष्ट्रवाद की भावना नहीं पैदा करते तो हार हो जाती, इतनी सीट नहीं मिलती। हो सकता है, हो सकता है। मुझे तो ये लग रहा है कि चेहरे की कमी रह गई मोदी के सामने, ये सबसे बड़ा रीज़न मुझे तो लगता है। और सीन पूरा चेंज कर गया उसके बाद पुलवामा, वहाँ से सीन चेंज होता है पूरा। वरना तो कई बार इसका मतलब, कई लोग तो ये कहते हैं सादत गलत नहीं गई, चाहे किसी की भी गई हो।
कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं लोकतंत्र बच गए उन 40 लोगों के कारण। राजस्थान के अंदर कितना रहा मामला, इससे पहले भी कभी 25 की 25 आई हैं कि राजस्थान में 2014 में, तो 2019 में आ गई और 2014 में, उससे पहले भी आई हैं कि कभी आई हैं, 25 आई थी 1989 में और 25 ही आई थी 1984 में। 1984 में कांग्रेस को आई थी 25 और अगले चुनाव में पूरी 25 की 25 कांग्रेस से वापस चली जाती हैं। ये उस समय की घटना है जब बोफोर्स तोप घोटाला हुआ था और ख़त्म हो गई थी राजीव गांधी के समय। गली गली में शोर है राजीव गांधी चोर है, ऐसा नारा चल रहे थे। आजकल किसके चल रहे हैं, मोदी जी के, लेकिन ये काम किया गया, ये नारा ये उल्टा पड़ गया। मोदी कुछ तो चालाक है, एक तो ये शब्द को ले लिया चौकीदार। कल शाम को तो कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम अच्छा नहीं लगता जब मोदी के ट्विटर को कोई फॉलो कर रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो इतना बड़ा ये चौकीदार। अपने देश के अंदर तो अपने देश में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है अपने देश में चुनाव। और वास्तविक तो पता नहीं कितना हुआ है, वास्तविक तो अपन पता ही नहीं कर सकते कितना होता है, कार्यकर्ताओं को भी देना पड़ता है नीचे नीचे काफ़ी। अपने जैसे होते हैं ना कहीं 80% जनता, तो 80% कार्यकर्ता ऐसे हैं जो चुनाव का इंतज़ार करते हैं, किसके लिए, शराब के लिए ज़्यादातर, तो बस कैसे भी शराब मिल जाए स्टॉक जमा लेते हैं 3-4 महीने की, तो 3-4 महीने में तो उनसे बात ही मत करो, वरना तो वो पूरा PM CM के जोश में रहते हैं, 3-4 महीने बाद फिर वापस जर्दा पानी अपने से उधार मांगते रहते हैं, खिलाओ खिलाओ कैसे भी। हाँ, तो यंग बंगाल आंदोलन कहाँ चला, बंगाल में, संस्थापक कौन थे, हेनरी विवियन डेरी जियो। तो बंगाल के जो युवा लोग थे और स्टूडेंट थे उनका ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के उनके अंदर राष्ट्रवाद का विचार पनपाया और उन्होंने कुछ अधिकारों की मांग की, कुछ अधिकारों की मांग की। तो देखो इसमें लिखो डेरी जियो ने कुछ अधिकारों की मांग की, और देखो ये चैप्टर प्रीलिम्स लाइक चैप्टर है और मुझे निर्देशित किया गया है कि चैप्टर को पूर्ण रूप से प्री एग्ज़ाम के अंतर्गत ही रखना है। तो अब फैक्चुअल और जब तक डिस्क्रिप्टिव अपन बीच में नहीं जोड़ते चैप्टर जुड़ता नहीं है, अब डायरेक्ट पूरा प्री के हिसाब से रखना है तो चीज़ें ज़्यादा जुड़ नहीं पाएंगे। तो अधिकारों की मांग की, कुछ अधिकारों की मांग की, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता की, ये तो लिख लिया ना डेरी जियो ने कुछ अधिकारों की मांग की, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता की, तभी से मांग की जा रही है, अभी भी प्रेस वाले कहते हैं हमें स्वतंत्रता दो। दूसरी इन्होंने मांग की रैयतों की सुरक्षा की, रैयत किसानों की सुरक्षा की, उनकी ज़मीन की सुरक्षा की, प्रशासन में भारतीयों की संख्या बढ़ाने की, रैयतों की सुरक्षा, प्रेस की स्वतंत्रता और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। और चौथा लिखो स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए, स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए उनको अधिकार देने की मांग की। तो कुछ अधिकारों की मांग की डेरी जियो ने, प्रेस की स्वतंत्रता की, रैयतों की सुरक्षा की, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी है और स्त्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देने हैं, क्योंकि उस समय तक स्त्रियों को संपत्ति में अभी भी हिस्सा नहीं दिया जाता था। वर्तमान में दिया जाता है या नहीं दिया जाता, दिया जाता है। स्त्रियों की सबसे अच्छी स्थिति कौन से काल में थी, प्राचीन, मध्य, आधुनिक या और कोई, इनका भी छोटा हिस्सा ले लो आप, वैदिक ले लो, कोई सा भी ले लो आप, उत्तर वैदिक काल ले लो, कोई भी सूत्र काल ले लो, कौन से काल में थी सबसे अच्छी स्थिति,
वर्तमान में ये सबसे अच्छे, इससे ज़्यादा अधिकार कभी भी नहीं थे भाई। वर्तमान में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, सब अधिकार आपके पास हैं, केवल उनका यूज करने पर निर्भर है कि आप करते हो या नहीं करते हो। वर्तमान में महिलाओं को अधिकार देने की अब ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, अधिकारों से अवगत कराना और उनका उपयोग करना ज़्यादा ज़रूरी रह गया है। कितने भी महिला कानून बन चुके हैं लेकिन अभी भी महिलाएं उनसे अवगत नहीं है अपने लिए कौन कौन से कानून हैं। अब देखो कुछ संगठन बनाए, डेरे जी ने भी कुछ संगठन बनाए। पहला संगठन बनाया एकेडमिक एसोसिएशन, एकेडमिक एसोसिएशन। एकेडमिक एसोसिएशन लिखते जाओ फटाफट। डिबेटिंग क्लब, इनमें समझाना भी कुछ नहीं है, सीधा रटना ही है। बंग हित सभा, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, एंग्लो इंडियन, हिंदू एसोसिएशन, तो ये कुछ संगठन थे हेनरी विवियन डेरेजियो द्वारा बनाए गए। एकेडमिक एसोसिएशन, डिबेटिंग क्लब, बंग हित सभा, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, तो ये कुछ संगठन बनाए गए डेरेजियो के द्वारा। अब आगे लिखो इनके समाचार पत्र। पहला था ईस्ट इंडिया, कलकत्ता साहित्य गजट, ईस्ट इंडिया कलकत्ता साहित्य गजट, ईस्ट इंडिया कलकत्ता साहित्य गजट। एक है बंगाल गजट, तो ये इनके द्वारा बनाए गए चलाए गए समाचार पत्र थे। इसमें लिखो कुछ डेरेजियो ने स्वतंत्र चिंतन, डेरेजियो ने स्वतंत्र चिंतन तथा तर्क शक्ति को बढ़ावा दिया, स्वतंत्र चिंतन तथा तर्क शक्ति को बढ़ावा दिया। तथा युवाओं में राष्ट्रवाद का प्रसार करने के लिए, तथा युवाओं में राष्ट्रवाद का प्रसार करने के लिए राष्ट्रवाद का प्रसार करने के लिए यंग इटली संगठन की तर्ज पर, यंग इटली संगठन की तर्ज पर यंग बंगाल आंदोलन चलाया। यंग बंगाल आंदोलन चलाया, ये बंगाल गजट की जगह इंडिया गजट कर लो, यहां पे इंडिया गजट, बंगाल गजट की जगह इंडिया गजट कर लो। तो एक बार वापस देखो, यंग बंगाल आंदोलन कहाँ पे हुआ था, बंगाल के अंतर्गत।
किसके द्वारा चलाया गया? हेनरी विवियन डेरिजोग। इसके पिता पुर्तगाली थे और माता भारतीय थी। ये कलकत्ता के अंदर जो हिंदू कॉलेज थे उसके अंग्रेजी और इतिहास के प्रोफेसर थे। इन्होंने कुछ अधिकारों की मांग की वहाँ के युवाओं से मिलकर, प्रेस की स्वतंत्रता की, रैयतों की सुरक्षा की, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की और स्त्रियों की दशा सुधारने की। अब इनके द्वारा कुछ संगठन बनाए गए, जैसे एकेडमिक एसोसिएशन था, डिबेटिंग क्लब था, बंग हित सभा था, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज है, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, और तीन समाचार पत्र थे। पहला समाचार पत्र ईस्ट इंडिया, कलकत्ता साहित्य गजट और इंडिया गजट। उसके बाद अपने लिखा है इन्होंने स्वतंत्र चिंतन और तर्क शक्ति का विकास किया और यंग बंगाल आंदोलन चला। नेक्स्ट लिखो, यंग बंगाल आंदोलन की तरह महाराष्ट्र एवं मद्रास में भी, यंग बंगाल आंदोलन की तरह महाराष्ट्र तथा मद्रास में भी आंदोलन चले। महाराष्ट्र और बम्बई में भी आंदोलन चले। जैसे यंग बंगाल था, ऐसे यंग बॉम्बे आंदोलन हो गया और यंग मद्रास आंदोलन हो गया। तो इस तरीके के आंदोलन वहाँ के जो स्टूडेंट थे उन्होंने चलाया। अब देखो इनके लिए कुछ शब्द बोले हैं। तो डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। लिखो, डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है।